मैं इमरान सैफी मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम चर्चा करेंगे, काफ़ी किसान भाइयों का सवाल है कि जिन किसान भाइयों की ज़मीन गंगा एक्सप्रेसवे में जा रही है और जिन किसान भाइयों की ज़मीन पर लोन है, मतलब जिन्होंने बैंक से अपनी ज़मीन पर लोन लिया हुआ है, जैसे कि किसी के पास 5 बीघे है, उसने 2 लाख रुपए लोन लिया हुआ है, किसी ने 5 लाख का लोन गवर्नमेंट से लिया हुआ है, किसी ने 10 का, किसी ने 15 का। दोस्तों, इसी तरीके से ना किसी न किसी जो बड़े बड़े किसान हैं, किसी न किसी किसान ने जो है अपनी ज़मीन पर लोन लिया है, अभी तक वो लोन जो है अभी तक नहीं चुकाया है, तो गवर्नमेंट को वापस रिफंड नहीं करा है। तो दोस्तों, उस कंडीशन में क्या गंगा एक्सप्रेसवे में जो ज़मीन जा रही है किसान भाइयों की, उसको लेकर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसी के सवाल पर आज हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अगर आपकी ज़मीन गंगा एक्सप्रेसवे में जा रही है और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया होगी जब, तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स आपके जो फ़र्ज है आपकी, वो गवर्नमेंट जो पटवारी जो फाइल बनाएगा और फाइल के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स सारे लगेंगे, तो उसके अंदर अगर आपने अपनी ज़मीन पर लोन ले रखा है, तो सबसे पहले 2 प्रक्रिया इसमें की जा सकती है। आप किसान भाई इसमें 2 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर आपने लोन ले रखा है और आप उसको बैंक को रिफंड करना चाहते हो, उसको वापस देना चाहते हो बैंक को, तो आप अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप उसे दे सकते हो, तो बिल्कुल आप उसे दे दीजिए, बिल्कुल क्लीन कर लिए अपना लोन। दूसरी बात, अगर आपके पास पैसा नहीं है और लोन आप नहीं चुका सकते हो, तो दोस्तों आपके पास एक ऑप्शन बहुत बढ़िया आएगा कि गवर्नमेंट जब आपकी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया होगी और आपकी जो डॉक्यूमेंट्स जमा हो गए और जो आपकी जो फर्द है, जैसे ही वहाँ चेक होकर निकलेगी, आपकी फर्द पर ये काउंट दिखा दिया जाएगा, ये शो कर दिया जाएगा कि आप पर कितना लोन है। अगर आपके 2 लाख से लेकर 5 लाख, 10 लाख अगर आपकी भूमि पर लोन है और आपको मुआवजा मिलने वाला है, तो दोस्तों गवर्नमेंट क्या करेगी कि गवर्नमेंट जो पैसा आपने लोन लिया है गवर्नमेंट से, वो पैसा मुआवजा जितना भी आपकी ज़मीन का मिलेगा, उसमें से वो पैसा जितना आपने लोन लिया है बैंक से, वो बैंक ऑटोमेटिकली आपके कट कर देगा। मतलब जो आपका लोन है, वो जो मुआवजा आपको गवर्नमेंट दे रहे हैं, उसमें से आपका क्लियर कर देंगे जो आपने लोन लिया है। या जो किसान भाई चाहता है कि भाई मैं अपने मुआवजे में से नहीं कटवाना चाहता, तो आप बेशक अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप उसको भर सकते हो, तो आप ज़रूर अपना लोन है वो क्लियर कर लें। ऐसी कोई भी इस चीज़ को लेकर कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 तरीके मैंने आपको बता दिया है, या तो ज़मीन पहले आप खुद ही पर्सनली आप अपना लोन भर दो, अगर नहीं भर सकते हैं तो गवर्नमेंट खुद अपना लोन, खुद जब आपका मुआवजा मिलेगा, खुद वो काट लेगी। दोस्तों, अगर इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल है, तो आप ज़रूर हमें वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और हम ज़रूर उस पर आपके सवाल का संशोधन कर आप तक ज़रूर बताएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।